नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल किचन लवर में। और दोस्तों अभी क्या है कि टाइम प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, दिवाली आने वाली है तो हमारे यहाँ काम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और कई भाइयों का, एक भाई का कमेंट आया कि भाई आपकी वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़ा मुझे ही नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ, मज़ा मुझे तब आएगा ना जब मेरे कबूतर पाक साफ हो जाएंगे और उड़ने लग जाएंगे, तब जाके मैं जब उनको उड़ाऊँगा ना तो जाके उसमें बता सकता हूँ कि भाई किस तरीके से होमवर्क को सेट करा जाता है। अभी मेरे कबूतर को अगर आप देखें तो सारे के सारे जो है ना अभी खलियों में लगे होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सारे कबूतर हैं मेरे पास, अब इसके अंदर इस कबूतर को ये देखिए, ये लास्ट की दसवीं कली आ रही है, ठीक है। और कबूतरों का अभी कबूतर ही सही नहीं है तो मैं इसमें वीडियो क्या बनाऊं। अब ये दसवीं कली लास्ट आ चुकी है इसकी, ये कबूतर पाक हो चुका है, ये मेरे घर का पट्टा है, ठीक है। और अभी क्या है कि कई भाइयों के कमेंट आते हैं ना, मैंने देखो आप सबसे फिर कहता हूँ कि भाई आप कमेंट करा करो, तो कमेंट मुझे वीडियो बनाने में तो वही मजा आता है, भाई मैं वीडियो बना दूंगा कमेंट के ऊपर। ये देखिए अब ये इसकी दो कलियां लास्ट से भी और आएगी, यानी कि आठवीं में चल रहा है पट्टा। अब मैं बताऊं दोस्तों क्या इसके अंदर मैं अभी उनको उड़ाऊं, क्योंकि अभी ऐसे में उड़ाने से तो नुकसान मेरा हो जाएगा। रस्त होगी जिसे आया हुआ तो बच्चे ये देखिए दसवीं में लगा हुआ है, तो जैसे जैसे थोड़ा सा 5-10 दिन की दिक्कतें और हैं, उसके बाद जो भी कबूतर मेरे अभी ये तो तैयार करे जाएंगे, जब उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना यहाँ पर, उसके बाद जब क्रॉसिंग आए जो स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि वो देखो मुझे रेस की तैयारी करनी है, तो वो मैं तैयारी सबको बताऊँगा कि किस तरीके से हूमर तैयार करे जाते हैं, कि आपका कोई भी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा तो बढ़िया है। और अभी एक हमारे भाई का कमेंट था कि डिंपल भाई अगर मैं आपसे रेस खेले हुए कबूतर के बच्चे ले लूं और उन बच्चों को कभी उड़ाऊं नहीं और उनको बड़ा करके फिर उनके जोड़े लगा दूं तो क्या उनके बच्चे कामयाब होंगे, ठीक है आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी बर्ड्स को परफॉर्मेंस जब तक ना हो या उसकी परफॉर्म ना करे तब तक वो उड़ेगा ही नहीं, तो उसके जो ब्लड है उसकी हड्डियों के अंदर वो ताकत ही नहीं होगी जिसकी वो बच्चों को अच्छी तरीके से निकाल पाए। तो यानी कि आपने धीरे धीरे नस्ल को डाउन कर दिया। अगर कोई भी पहलवान है, एक पहलवान का बच्चा एक नॉर्मल इंसान का बच्चा, जो अखाड़े डेली जाता है और जो अखाड़े नहीं जाता, तो किसका जो शरीर अच्छा होगा आप खुद बताओ। बर्ड्स कोई भी हो वो सब ट्रेनिंग और मेहनत सब मांगते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी बर्ड अच्छा नहीं है। आप 1,00,000 रुपए का भी कबूतर ले लोगे ना और वो आपने उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, उसको उड़ाई ही नहीं रहे या उसको छोड़ नहीं रहे, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो वो किसी काम का नहीं है भाई, वो बेकार है। फिर बात समझना इसकी, बहुत अभी तो चीजें हैं जो मैं अभी बताऊं ना तो, लेकिन फिर लोगों को लगेगा यार गलत कह रहे हैं। अगर ये बर्ड है मेरा, ठीक है मेरा उड़ता हुआ है, अब इसके ये देखिए हालत देख रहे हैं, ये भी 7वीं 8वीं में लगा हुआ है। और जो भी कबूतर पालते हैं उनको पता होगा कि ये जो लास्ट की जो कलियां होती है ना 3-4 कलियां, ये बहुत मेन होती है। अब इसकी कलियां ही नहीं आ रही, मैं इनको क्या उड़ाऊंगा अभी। अब अगर मैं ये रेस में मुझे खिलाना है इस कबूतर को, उड़ के यहाँ पर बैठने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब कबूतर हवा में उड़ता है और दूर तक जाता है तो अपने परों को चलाता है भी है और जान भी लगती है, जब जान लगेगी तो भैया जो कच्चे पर हैं वो तो खराब हो जाएंगे ना, फिर इसलिए मैं अभी इनको उड़ा नहीं रहा। अब उड़ने जब स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम दिखाएंगे इसको परफॉर्म कैसे करना है। ये देखिए दसवीं में लगा हुआ है, तो यानी कि कुछ कबूतर हमारे पाक हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो जैसे सारे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं उनको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो सारे ये उड़े भी नहीं, और ये हमारे अभी आस भाई हैं उनसे आए थे चेन्नई से, तो उनके मैंने पर निकाल दिए हैं,
ये बच्चा भी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ उड़ ले, तो बच्चा ये उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बच्चा लाए थे और अभी पर इसके ये भी लाश के तीन हटेंगे, देखते हैं अभी टाइम तो है, अभी उड़ जाएंगे बच्चे। देखते हैं किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, इनको भी अब ट्रेनिंग। ये दो पट्ठो जो है मेरे पास से नहीं आए, बाहर से आए, चेन्नई से आए, तो इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। बाकी अब जैसे भाइयों का था कमेंट, और भी कमेंट करते रहते, तो मैं वही कहता हूँ कि कमेंट करते रहो, ताकि उसको मैं वीडियो बनाता रहूँ, आपको आप वीडियो देखो और उसमें फिर कमेंट करो। अब बहुत सारे भाइयों का जो सवाल आते हैं ना, तो मैं करता हूँ। तो अब जैसे भाई का सवाल था, मैंने साफ मना कर दिया कि भाई आप बहुत अच्छे बर्ड भी ले लोगे ना, तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, बच्चे उनके परफॉर्म नहीं करेंगे अगर आप उड़ा नहीं रहे तो, क्योंकि फिर आप नस्ल डाउन करते चलाओगे। पहले के जो लोग होते थे हमारे यहाँ, जैसे कावली वगैरह ज़्यादा पाले जाते थे ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, वो कावली बहुत जैसे दाने पे ही अपना 5-5, 6-6 घंटे तक उड़ते थे कंटिन्यू। फिर लोगों ने उसमें थोड़ा सा और नुकता पानी लगाने लग गए, थोड़ा बादाम देने लगे, किशमिश मोनक्का पुनक्का पता बहुत सारी चीज़ें थी, वो पानी लगाने लगे, जीरे का, उसका सौंफ का, और बहुत सारी चीज़ों का पानी मिला के देने लगे कबूतर को ठंडा करने के लिए, कि भाई वो कबूतर काफ़ी देर तक उड़े। फिर 8-8, 10-10 घंटे की परफॉर्मेंस देने लगे पहले के बर्ड। तो पहले के बर्डों को उड़ाया ही इसलिए जाता था कि वो अच्छा उड़ते थे, और जब उनकी रफ्तार बन जाती थी उड़ने की, वो उड़ने स्टार्ट कर देते थे, तो उनके बच्चों का भी रिजल्ट अच्छा होता था। तो कोई भी कबूतर जब लेता था ना, तो देखता था कि कितनी देर तक उड़ता है, अगर कबूतर अच्छा उड़ रहा है तो उसका बात है कि उसका मतलब है कि बच्चे भी अच्छे उड़ेंगे। तो लोग पहले बच्चे उड़ाने के लिए लेते थे, ऐसा नहीं कि बच्चे लेने हैं और फिर इंतजार करूंगा फिर वह उसके बच्चे होंगे, नहीं। तो कभी भी अगर आपको जोड़े लगाने हैं, तो अगर आप ऐसे बच्चे भी लेके जा रहे हैं ना, तो भाई आपको बच्चों को उड़ाने पड़ेंगे, अच्छी तरह से उड़ाओ, उनकी परफॉर्मेंस जानो, उनकी जो हद है ना उस हद को तोड़ना पड़ता है। वो अपनी ताकत जब तक पूरी निकालेगा नहीं ना, तब तक उसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। बाकी हमारे अभी जैसे ये उत्तराखंड में हमारे भाई हैं नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई हैं शायद, उनके बच्चे तैयार हो चुके हैं, ये दो बच्चे हैं, और दो बच्चे अब तो बड़े हो गए तो वो बाहर आ रहे हैं, तो अगले इस संडे को वो भाई आएंगे अपने कबूतर लेने के लिए, ठीक है। मैंने उनको बता दिया, नरेंद्र भाई अगर आप वीडियो देखो तो आप देख लेना, आपके ये जो आपने बुक करे थे ये तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बच्चे हैं, तो इसकी फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, और फीमेल का मैं आपको दिखा दूँ अगर आप आँख से समझ पाओ तो, ये मिडिल डिस्टेंस के अंदर है, काफी अच्छी कबूतरी। अब ये उसके बच्चे निकल चुके हैं और अंडा इसने दोबारा दे दिया है, ये देखिए, देख लो टाइट बनता, ये देखिए दोस्तों आंखें। अब इस आंखों का क्या है कि अब आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भी मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आंखों में क्या देखा जाता है। ये इसके बर्ड के लॉन्ग डिस्टेंस के बच्चे तैयार हैं, मतलब अभी आप देखिए कि इसका साइज जो है इतना बड़ा है, और अभी तक इसके जो पीले पीले रोए हैं वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के बच्चे तैयार हैं, और इसका जो इन दोनों का फादर है वो मैं दिखाता हूँ, देखिए गिरे ना, देखिए दोस्तों ये इनका फादर है, ये देखिए साइज दूर से दिखा ना थोड़ा सा, और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा हुआ बर्ड है। तो ये इस जोड़े के बच्चे हैं, और बाकी मेरे पास कलकत्ता लाइन के थे, तो वो सब अभी बच्चे बाहर घूम रहे हैं, नरेंद्र भाई के ही हैं, और इसमें बच्चे निकल गए हैं। ये भीम की वाइफ है, इसके बच्चे आज एक बच्चा निकल गया है, और इसमें भी अंडे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो ये भी ग्रिजल आए थे हमारे, तो ये ग्रिजल जाएंगे, इसके बच्चे जो है बुक हो चुके हैं, वो सूरज भाई लेंगे हमारे फरीदाबाद वाले, तो उनको उन्होंने अभी
तीन जोड़े के बच्चे बुक कर दिए कि भाई मुझे इस जोड़े के बच्चे दे देना, क्योंकि वो दो तीन बार मेरे पास आ चुके हैं और उन्होंने अपना जो बच्चे बोले, मैं कहा ठीक है भाई आपको मिल जाएंगे। तो इसके बच्चे जो हैं अभी तो अंडे हैं इसके नीचे, तो इसके बच्चे जो हैं सूर्य भाई के पास आएंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे भाइयों का कमेंट आते हैं कि भाई हमारे को हूमर चाहिए, और आप ले लो भाई हूमर, पट्टे वट्टे तैयार होते रहते हैं मेरे पास। तो जिसको भी पट्टे चाहिए तो वो व्हाट्सअप पे मेरा है नंबर, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं मेरे से, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आप अमाउंट जमा करते हैं तो फिर मैं आपके बुक कर दूँगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या है मैंने डायरी बना रखी है, उसमें जिसके पैसे आते रहते हैं कितने बच्चे चाहिए उसके मैं बुक कर देता हूँ और फिर अपना ले लेते हैं। बाकी और भी कोई सवाल है भाई प्लीज़ कमेंट करते रहो, क्योंकि अभी जैसे बहुत से भाई कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, भाई हकी का बताऊँ मुझे भी नहीं आ रहा इस टाइम मज़ा, क्योंकि इस टाइम अभी सब समझ लो जोड़ेबाजी हो रही है, और जाल जो इस हिसाब से बना रखा है ना तो इस हिसाब से जाल पे जोड़ेबाजी होती है, और अभी कबूतरों के जो है ना पर बहुत कम है, और साइड की जो परे होते हैं ना वो मेन होते हैं, अगर वो ख़राब हो गए ना तो फिर पूरा कबूतर मैं रेस में नहीं खिला पाऊँगा। तो भाई मैं अभी जल्दबाजी नहीं कर सकता, आप समझो मेरी भी प्रॉब्लम, क्योंकि रेस खेलनी है मुझे, सिर्फ उड़ाने नहीं है, और रेस में एक कबूतर भी कम हो जाएगा ना बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी डर डर के वो कर रहा हूँ कि भाई इसको थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, जब तक प्रॉपर पर पूरे पाक नहीं होंगे तब तक मैं अभी नहीं उड़ाऊँगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ भाई आपके आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी तरह से आप कमेंट जरूर करें यार, अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा इस टाइम, क्योंकि एक तो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक बनाऊँ, कि अगर ब्रीडिंग से रिलेटेड क्या किसी भी से भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करो यार। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई भी टॉपिक है उस पर आप कमेंट बताओ मुझे, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, तो मुझे भी रहेगा कि यार भाइयों ने एक फरमाइश की थी तो उस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जान दीजिए, नमस्कार।